नमस्कार दोस्तों के स्टडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीके के एक हजार प्रश्न हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये पार्ट वन है इस वीडियो में हम लगभग ढाई सौ क्वेश्चन कवर करेंगे और इतनी जल्दी जल्दी ढाई सौ क्वेश्चन कवर कराएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा बस वीडियो को आपको पूरा मन लगा के देखना है और आपके ढाई सौ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाता है तो सभी को पता है योजना आयोग का अध्यक्ष या नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बोलते हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी तो सभी को यह पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं पंजाब भाषा पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह है गुरुमुखी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत की सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में आती है या किस राज्य में सूर्य निकलता है तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा सबसे पहले वहां पर सूर्य निकल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह की बीमारी के उपचार में होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक जो है प्रसिद्ध त्यौहार है तो बिहू जो है असम का प्रसिद्ध त्यौहार है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा से मिलता है तो आंवले से विटामिन सी प्राप्त होता है खट्टे फलों से विटामिन सी प्राप्त होता है सबको पता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बैटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कागज का आविष्कार किस देश में हुआ तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ सभी को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए रतौंधी किस बिटमिन की कमी से होता है तो सभी को पता है रतौंधी बिटमिन ए की कमी से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पोंगल किस राज्य का त्यौहार है तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है नेक्स्ट क्वेश्चन गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है सभी को पता है पंजाब का नृत्य है गिद्दा और भांगड़ा टेलीविजन का आविष्कार किसने किया तो जे एल बेयर्ड है ना जॉन लोगी बेयर्ड जे एल बेयर्ड ने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत की पहली महिला शासिका कौन थी तो सभी को रटा होना चाहिए रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी नेक्स्ट क्वेश्चन मछली किसकी सहायता से सांस लेती है तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है जिंदाबाद का नारा किसने दिया तो सभी को पता है भगत सिंह ने जिंदाबाद का नारा दिया नेक्स्ट क्वेश्चन जलियावाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ तो ईस्वी में अमृतसर में हुआ था उन्नीस सौ उनतालीस ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सभी को पता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पंजाब केसरी किसे कहा जाता था तो लाला राजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है सांडर्स की हत्या किसने की तो भगत सिंह ने सांडर्स की हत्या की थी याद रखिएगा उन्नीस सौ संता, अठारह ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया तो मंगल पांडे द्वारा अपना बलिदान सबसे पहले दिया गया भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो सभी को पता है सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी तो सं, संतोष यादव यादव जो थी सबसे पहले दो बार चढ़ी थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई तो राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो मूल शंकर नाम था उनका याद रखिएगा वेदों की किसने कहा था तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किस रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की नेक्स्ट क्वेश्चन भारत कब आया था तो चौदह सौ अंठानवे ईस्वी में आया था और वास्को डिगामा रहने वाला कहां का था तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हवा महल कहां स्थित है तो हवा महल आपका जयपुर में स्थित है अगला क्वेश्चन देख लीजिए सिख धर्म सिख धर्म संस्थाप संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है तो सभी को पता है बैसाखी जो है सिखों का प्रमुख त्यौहार है लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है सभी को पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनकी अभी मूर्ति बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से कहां पर बनी है कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कमेंट करके जरूर बताइएगा अभी कमेंट कर लीजिएगा नहीं तो भूल जाएंगे आप बाद में भूल जाएंगे अभी कमेंट करिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहां पर है तो घाट में दिल्ली स्थित लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है नेक्स्ट महाभारत के रचयिता कौन है तो महर्षि वेदव्यास हैं बहुत बढ़िया अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी तो चाणक्य क्वेश्चन में कौटिल्य दोनों उन्हीं के नाम है अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया नारे पूरे याद कर लीजिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो विश्व रेडक्रॉस दिवस आपका आठ मई को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो जापान कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट करके बताइए जापान की राजधानी क्या है तुरंत कमेंट कर लीजिएगा बाद में भूल जाएंगे जापान की राजधानी क्या है तुरंत कमेंट करके बताइए अभी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आठ मार्च को मनाया जाता है बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है सभी को पता है गोवा गोवा के सीएम कौन है ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए तुरंत बताइएगा गोवा के सीएम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे अगला क्वेश्चन ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है तो केरल का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1911 में 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन थी तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए बाद में भूल जाएंगे दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कौन सी थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए सबसे चमकीला गया कौन सा है तो सबसे चमकील है शुक्र है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आईने अकबरी के लेखक कौन था तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हॉपमैन कब किस खेल से संबंधित है तो हॉपमैन कब टेनिस से संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है तो अशोक चक्र में चौबीस तिलियां होती हैं अगला क्वेश्चन देख लीजिए सबसे छोटी हड्डी कौन सी है तो सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है तो डिगबोई में स्थित है डिगबोई किस राज्य में है यह बताना है आपको डिगबोई किस राज्य में है भारत का सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र है किस राज्य में डिगबोई ये आपको कमेंट करके बताना है तुरंत की तुरंत अगला क्वेश्चन देख लीजिए हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण शाह ने करवाया। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था तो आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के राज्य पर सबसे पहला राज्य बना था अगला क्वेश्चन भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है तो तीन अनुपात दो सभी को रटा होगा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है बहुत बढ़िया और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है तो राष्ट्रगीत किसने लिखा है तो यह बंकिम चटर्जी ने लिखा है यह भी सबको मालूम होगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था तो नेताजी सुभाष चंद्र ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है तो हिंदू राष्ट्रीय पंचांग होता है शक संबंध ठीक है है। होता अगला राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है सभी को पता है बावन है। बहुत बढ़िया रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है तो हृदय से हैदय पेसमेकर होता है हृदय को सही से कार्य कराता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं तो ग्रंथि को अगला क्वेश्चन देख लीजिए कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है तो हीरा सभी को पता है एक्सरे का किसने किया तो ने एक्स का आविष्कार किया बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा देता है, तो है।, है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया तो दूरबीन का गैलीलियो ने किया था बहुत बढ़िया सभी को पता है अगला क्वेश्चन देख लीजिए दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है तो राजघाट है दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम भारत में पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली तो मुंबई से थाने पहले मुंबई बोलते थे मुंबई बोलते हैं मुंबई से ठाणे के बीच में अगला क्वेश्चन देख लीजिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा नगर से स्टार्ट हुई सभी को पता है कोलकाता से स्टार्ट हुई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है भारत का भारत में रेल सबसे पहले कब आरंभ हुई अठारह में सबसे पहली रेल सेवा आरंभ हुई भारत प्रथम भार, भारतीय यात्री कौन थे तो इनका नाम था राकेश शर्मा 1984 में गए थे ये ठीक है याद रखिएगा भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देख लीजिए हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री अगला क्वेश्चन है देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई तो चौबीस अक्टूबर उन्नीस में हुई याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे तो त्रिगवेली थे याद रखिएगा फूलों की घाटी किस राज्य में है तो उत्तराखंड को फूलों की घाटी उत्तराखंड में फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ में के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं तो पंद्रह सदस्य होते हैं याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन स्थाई सदस्य कितने होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में तो पांच होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है तो दैग हॉलैंड में स्थित है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए संयुक्त तो राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा को हिंदी भाषा में बोलने वाले पहले कौन थे भारतीय तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले भाषण दिया था हिंदी भाषा में विटामिन की खोज किसने की तो विटामिन की खोज फंकने की सभी को याद है अगला क्वेश्चन देख लीजिए नलेस स्टील या स्टेनलेस स्टील है वो गलत टाइप हो गया स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु कौन कौन सी है तो आयरन क्रोमियम और निकिल स्टेनलेस स्टील आयरन क्रोमियम और निकल को मिला के बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता तो विटामिन के बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो दो हिंदी दिवस मनाया जाते हैं एक चौदह सितंबर को और एक और मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना चौदह सितंबर को कौन सा मनाया जाता है और नेक्स्ट अगला जो दूसरा था वो कौन सा मनाया जाता है दो हिंदी दिवस मनाया जाता है चौदह और दस को शायद ठीक है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का घोषित किया गया तो थ्री फोर थ्री में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है ओलंपिक खेलों की एक एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है तो अभिनव अभिनविंद्रा थे ठीक है अगला क्वेश्चन ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है तो चार वर्ष बाद किया जाता है अगला क्वेश्चन सन उन्नीस सौ सन दो में ओलंपिक खेल कहां पर हुए थे तो रियो रियो डी जेनेरो में हुए थे दो में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है 10 10 दिसंबर को मनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है तो मुह नस्ल की भैंस बहुत फेमस है याद रखिएगा प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है तो गुड़गांव में है याद रखिएगा विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी अगला क्वेश्चन कासा किसकी मिश्र धातु होती है कॉपर तथा टिनकी होती है याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है तो ऋग्वेद में है किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों से मिलती है तो उसका आंसर है चीन अगला क्वेश्चन बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट होने का सूचकांक है तूफान का आना यदि तूफान आएगा तो बैरोमीटर सडनली गिर जाएगा भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है तो थार का मरुस्थल बोलते हैं जो भारत में मरुस्थल है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण किस राज्य में है तो आसाम में है याद है सभी को पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व पर घूमती है धुरी पर उज्जैन किस नदी के किनारे तो शिप्रा नदी किनारे है यहां पर कुंभ भी होता है याद रखेगा कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है तो चांदी बिजली की अधिक सबसे अधिक सुचालक है नेक्स्ट क्वेश्चन गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो मीथेन गैस पाई जाती है याद रखिएगा स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर रहूंगा लोकमान तिलक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आ सकता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होता है तो छह वर्ष के लिए बहुत बढ़िया हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है अगला क्वेश्चन हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है तो दुग्ध मेखला या मिल्की मिल्कि बोलते हैं हमारी आकाशगंगा को अगला क्वेश्चन देख लीजिए हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था तो उदंड मारतंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था तुलसीदास कृत रामचरित हिंदी भाषा में किसने लिखी है या किस बोली में है जो हिंदी में लिखी है वो अवधि भाषा में है रामचरित मानस की असली भाषा अवधि है याद रखिएगा बॉल पेन के सिद्धांत पर काम करता है तो पृष्ठ तनाव पर सर्फिस पर कार्य करता है बॉल पेन याद रखिएगा आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी तो एथेंस में हुई थी यूनान में अठारह में बहुत बढ़िया भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार स्वर्ण पदक जीता है तो हॉकी मात्र एक ऐसा खेल है जो कि हमारा राष्ट्रीय खेल है जिसमें आठ बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं हम भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था तो 1980 मॉस्को के बाद हमने अभी तक एक ही बार नहीं जीता है ओलंपिक खेलों का कितने वर्ष बाद किया जाता है तो चार वर्ष बाद में बता चुका हूं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड लूसान में है याद रखेगा स्विट्जरलैंड में है मनुष्य की आंख में किस वस्तु का किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है तो रेटिना पर बनता है मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब ठीक है आपके ओलंपिक में ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर है पांच गोले होते हैं ओलंपिक ध्वज में एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है तो माइकल फेलेप्स है जो कि स्विमिंग में है उन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण जीते एक ओलंपिक में ठीक है याद रखिएगा इनका रिकॉर्ड अभी तक कोई नहीं तोड़ पाया है सन 1900 सन 2020 में सन 2020 में ओलंपिक खेल कहां पर होंगे तो टोक्यो जापान में होंगे सभी को याद होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता किस मापी जाती है तो डेसी बल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था भारत ने तो सन 1900 में लिया था भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग अगला क्वेश्चन देख लीजिए ओलंपिक खेलों के पदक में जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी तो कर्णमहेश मल्लेश्वरी ने पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता था बैक टू द दास अभी मैंने बता चुका हूं किसने दिया था ये नारा महर्षि दयानंद ने दिया था अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी कई बार क्वेश्चन आ चुका है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी झंडा ऊंचा रहे हमारा की जो है गीत का गीत की रचना पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसी कमी से होती है तो कैल्शियम की कमी से होती है पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है तो गुर्दे द्वारा जो है आपका यूरिया से रक्त फिल्टर होता है रक्त से यूरिया फिल्टर होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है तो प्रोफेसर अमृत सेन एकमात्र भारतीय हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वाद के वादक हैं यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो इसका आंसर क्या है सहनाई के वादक है सहनाई की याद रखिएगा अगला क्वेश्चन भारत के अंतिम जनरल गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालचार्य थे अंतिम गवर्नर जनरल याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस के कि सहयोग से हुआ तो रूस के सहयोग से हुआ था भिलाई इस्पात संयंत्र सबसे पुराना बहुत ही फेमस है याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है तो हिमाद्री नामक उत्तरी ध्रुव में भारत का एक अनुसंधान केंद्र है सभी याद रखेंगे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी तो क्या नाम था उनका जापान की जुनको तबाई जुनको तबाई थी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पीलिया किस अंग का रोग है तो यकृत या लीवर में पीलिया होता है नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पारित करता है या कथन किसके नियम पर है तो पास्कल द्वारा यह नियम दिया गया था कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाव पर पारित करता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है अगला क्वेश्चन एलपीजी गैस में क्या होता है तो एलपी गैस एलपीजी गैस में मुख्य ब्यूटेन होती है याद रखिएगा ब्यूटेन पाई जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था अगला क्वेश्चन देख लीजिए किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तो उनका नाम था उपगुप्त उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने अशोक को अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ये रहा अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी तो गुरु राम रामदास ने जो है अमृतसर शहर की स्थापना की थी याद रखिएगा गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला

पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ तो उन्नीस से हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाएं बन रही हैं और बनती आ रही है हैं रेगुलरली अगला क्वेश्चन देख लीजिए चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था चीनी यात्री हेनसोंग ने अगला क्वेश्चन कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है तो सभी को पता होना चाहिए कि ओ ओ जो रक्त समूह है वह सर्वदाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं यह क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन डी प्राप्त होता है विटामिन डी ये भी आपको अच्छे से रटा होगा मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और मादा एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत कमेंट करें एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें तुरंत नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है कौन सा रोग टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम ग्राहमवेल बहुत बढ़िया सभी को याद है अगला क्वेश्चन प्रकाश की गति कितनी होती है तो काउंट कर लीजिए दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था तो कॉपर निकस ने सबसे पहले यह चीज बता दी थी बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है तो खगोलीय दूरी से है प्रकाश वर्ष का संबंध अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है तो सभी को पता है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा चार मीनार कहां पर है तो चार मीनार आपकी हैदराबाद में बहुत बढ़िया और कुतुब मीनार कहां पर है तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में कोई कंफ्यूज नहीं होगा गेटवे ऑफ इंडिया को भारत का द्वार भी कहते हैं यह क्यों बनाया गया था यह आपको कमेंट करके बताना यदि किसी को पता है गेट ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों हुआ था किसके स्वागत में हुआ था तो आप कमेंट करके जरूर बताएं गेट ऑफ इंडिया का निर्माण ये क्यों हुआ था मुंबई में है इंडिया गेट दिल्ली में है बहुत बढ़िया ताजमहल स्थित तो ताजमहल आगरा में स्थित है सभी को पता है बहुत बढ़िया आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो शिक्षक दिवस आपका पांच सितंबर को मनाया जाता है सभी को पता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर एक खेल दिवस कब मनाया जाता है तो खेल दिवस आपका उन्तीस अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस क्यों मनाया जाता है तो मेजर ध्यानचंद जो थे उनके जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है खेल दिवस विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है है तो जून इसका आंसर विश्व पर्यावरण दिवस करो या मरो का नारा किसने दिया था सभी को याद है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं महात्मा गांधी जी ने ने जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा आजकल पुलिस और फोर्स में ये यूज भी होता है जय हिंद बोल के संबोधित करते हैं दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था वेदों की ओर लौटो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको

अगला क्वेश्चन सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजु कातिल में है राम प्रसाद बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको कहीं ना कहीं रखा मिलेगा ये क्वेश्चन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास सती प्रथा के अंत के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किए तो राजा राम राय सभी को पता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की स्वामी विवेकानंद मैं बता चुका हूं महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था सभी को पता है दो अक्टूबर को महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी गांधी जी की हत्या गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने और गांधी जी की हत्या किसने की थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं सबसे इजी क्वेश्चन है तो मैं उम्मीद करूंगा जो भी अभी तक वीडियो देख रहे होंगे सभी का आंसर आएगा माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यह पुस्तक किसने लिखी थी गांधी जी ने लिखी थी याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है भारत रत्न फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है दादा साहेब ठीक है है याद रखिएगा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता था तो काली जी को कहा जाता था नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं तो जॉल चार्ल्स वेवेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो यूरी गागरिन रूस अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो सभी को पता है नील नील आमस्टॉन्ग सभी को पता है अगला क्वेश्चन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय तो राकेश शर्मा जी थे याद रखिएगा क्योंकि प्रथम भारतीय थे इसलिए याद रखना अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो और इसे कब छोड़ा गया तो आर्यभट्ट को छोड़ा गया था 1975 में यह प्रथम भारतीय उपग्रह था सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है तो हाइड्रोजन गैस सूर्य में सर्वाधिक होती है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है तो घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी से होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी ग्रंथि इंसुलिन करती है तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन इंसुल करती है कप का संबंध किस खेल से है है तो कप का संबंध फुटबॉल से याद रखेगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी है तो बाईस बाईस भाषाओं को चीन की मुद्रा क्या है तो युवान है चीन की मुद्रा नेक्स्ट क्वेश्चन रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है तो हेनरी डूनांट है दोस्तों प्लीज शेयर करिएगा मैं इतनी जल्दी जल्दी आपको ढाई सौ क्वेश्चन करा रहा हूं कोई भी नहीं कराएगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर करिएगा मेरी इस मेहनत के लिए हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है तो एनीमिया है अगला क्वेश्चन बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं भारत को किला किस कहा जाता है तो सरोजनी नायडू कहा जाता है बहुत बढ़िया दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था तो कुतुबुद्दीन एवक ने सभी को पता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे तो मदन मोहन मालवीय थे याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक कौटिल्य रखिएगा बता चुका हूं मैं विवेकानंद स्मारक कहां पर है तो कन्याकुमारी में है विवेकानंद स्मारक नेक्स्ट क्वेश्चन का मुख्यालय कहां है तो काठमांडू नेपाल में दक्षेश दक्षेश में कितने देश हैं आठ भारत नेपाल बांग्लादेश श्रीलंका मालदीव भूटान पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये सभी दक्षेश के सदस्य हैं याद रखेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है तो सात हजार पांच सौ सोलह याद रखिएगा तटरेखा की लंबाई विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादक भारत है ग्रांड ट्रंक जी टी रोड किसने बनवाई थी जी टी रोड बहुत पहले बन चुकी थी शेर शाह सूरी ने अपने समय बनवाई थी जी टी रोड विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी वेरी है बहुत बढ़िया तो आप बताएंगे मुझे विटामिन आप बताएंगे विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग विस्कर्वी है आंसर ही आ गया चलिए कोई बात नहीं तो आप मुझे बता दीजिए रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता दूध में कौन सा विटामिन होता है सी सभी को बताइए विटामिन के क्वेश्चन है ये लीजिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता लीजिए मैंने जो सरप्राइज क्वेश्चन पूछा था वो भी आ गया था आप मुझे बता दीजिए विटामिन के का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए ठीक है के का वैज्ञानिक नाम विटामिन ई e की कमी से कौन सा रोग होता है बांझपन विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है स्कर्विक स्कर्विक अम्ल ठीक है विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं तो ए और डी ठीक है याद रखिएगा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है ठीक है याद रखिएगा हंसने वाली लाफिंग गैस किसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड एन को याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम कार्बोनेट है धावन सोडा का रासायनिक नाम पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है तामा और जस्ता का बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन किस विटामिन का रासायनिक नाम है विटामिन डी का नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है तो कॉर्निया का याद रखिएगा सभी को पता होगा किस विटामिन में कोबाल्ट होता है तो विटामिन बी में कोबाल्ट होता है कोशिका का पावर हाउस माइट्रोकॉन्डिया सभी को याद है लाल रक्त कणिकाओं को हमारे शरीर में किस भाग में निर्माण होता है तो अस्थि मंजा बोन मैरो सिर्फ पंद्रह क्वेश्चन बचे हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो अट्ठाइस फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो स्पिगनो का बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है तो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी और रैम रैम क्या होती का फुल में है बाद में भूल जाएंगे किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग, उग्रवादी नाम के दो दलों में विभाजित हो गई उन्नीस में सूरत के अधिवेशन में याद रखिएगा तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था तो राजा रा, राज, राजा प्रथम चोल ने ठीक है चोलों ने बनवाया था तंदोर का बृहदेश्वर मंदिर मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था मुगल अकबर का जन्म वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किसने जीत माफ कीजिएगा ये गलत लिख गया था आप ये बताएंगे कि 2000 अभी जो जस्ट अभी इसके पहले हुआ था वह कहां हुआ था दो हजार में जो हुआ था फुटबॉल विश्व कप वो कहां हुआ था आप ये बताएंगे ये आ गया क्वेश्चन वो गलत क्वेश्चन है उसको हटा दीजिएगा वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहा जो आयोजित हुआ था रूस में रूस में हुआ था ठीक है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी अगला क्वेश्चन कैंसर के उपचार के लिए प्रमुख उत्कृष्ट प्रयुक्त तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है रेडान का यूज होता है कैंसर के उपचार के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो भैया लोकसभा करती है याद रखिए लोकसभा अध्यक्ष करता है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे क्वेश्चन नंबर दो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है तो अनुच्छेद तीन अगला क्वेश्चन यह रहा कोई विधेयक धन विधेयक या है या नहीं यह कौन बताता है कौन लेता निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष लेता है कि धन विधेयक है या नहीं विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा है आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है कमेंट करिए और प्लीज यदि पूरा वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए मेरी मेहनत सफल हो जाएगी कि सर मैंने पूरा वीडियो देखा है प्लीज कमेंट करिए और कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर करिएगा मेरी मेहनत सफल हो जाएगी व्हाट्सएप पर इतने सारे ग्रुप होते हैं आपके प्लीज एक एक ग्रुप में शेयर कर दें मैंने इतनी जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन कराए अठाईस मिनट होने वाले हैं अठाइस मिनट में मैंने आपको ढाई क्वेश्चन कराए तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और मुझे बताएं जिसने भी पूरा वीडियो देखा प्लीज जरूर बताइएगा धन्यवाद दोस्तों